नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रीति विश्वास। तो आइए जानते हैं मेरे साथ आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार है और रविवार का दिन सूर्य देव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आवश्यक कार्यों में तेजी लाएंगे, संपर्क का दायरा बड़ा होगा, सबको साथ लेने का प्रयास बनाए रखेंगे और सामाजिकता सवार कर रखेगी। सहकारिता व साझेदारी में रुचि बनाए रखेंगे, सभी से सामंजस्य बढ़ेगा और करियर कारोबार में भी प्रभावी रहेंगे आप। प्रबंधन के कार्य सधेंगे, अनुशासन बढ़ता नजर आ रहा है और परिवार में हर्ष उत्साह रहेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों को एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होने से आपका मन प्रसन्न चित रहेगा और परिवार में भी किसी पूजा पाठ व धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होने से परिवार के सदस्य एकजुट नजर आएंगे, लेकिन कोई परिजन आपके परिवार में खोट डालने की कोशिश कर सकता है। मिथुन राशि, नवाचार में सफलता मिलेगी, नियम अनुशासन रखेंगे और सुखद यात्रा के संकेत भी हैं। शुभ सूचना मिल सकती है, संपर्कों का लाभ मिलेगा और स्मरणीय पल साझा करेंगे। अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी आपकी और साख सम्मान में वृद्धि होती नजर आ रही है, व्यापार भी बेहतर रहेगा। कर्क राशि, सूझबूझ से आगे बढ़ने का समय है, गलतियों को अनदेखा नहीं करना है, खर्च और निवेश के मामलों में भी सजगता बनाए रखनी और रिश्तों में तो संवेदनशीलता जरूरी है, सामंजस्यता भी रखेंगे। भेंट वार्ता व संवाद में सहजता रखेंगे, प्रलोभन में ना आए, लेन देन में स्पष्टता होनी चाहिए और आय व्यय बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। सिंह राशि, अर्थ व्यापार में सफलता मिलेगी, आवश्यक कार्यों को भी पूरा कर लेने का प्रयास करेंगे, विभिन्न उपलब्धियों को बढ़ावा मिलता दिख रहा है, पेशेवर मामले सकारात्मक फल देंगे, वचन बनाए रखेंगे और प्रबंधन में सफलता मिलती है यह नजर आ रहा है, श्रेष्ठ कार्यों को भी आगे बढ़ाएंगे और नियंत्रित जोखिम उठाना सहयोग की सोच रखना है। कन्या राशि, सबको साथ लेकर चलने का भाव आज आपके मन में है और लाभ के अवसर इससे बढ़ेंगे, यात्रा पर भी जाना हो सकता है, बड़े लक्ष्य साध कर रखें, सक्रियता और निरंतरता से आगे बढ़ते रहेंगे, विभिन्न गतिविधियों में भी रुचि दिख रही है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, पैतृक मामलों में भी सुधार होता दिख रहा है, दीर्घकालिक जो योजनाएं हैं उनके प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा। तुला राशि, भाग्य की प्रबलता बनी रहेगी, धार्मिक गतिविधियों से भी प्रमुखता जुड़ सकते हैं, आस्था अध्यात्म को बल मिलेगा, पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे, संकल्प पूरा करने की पूरी कोशिश रहेगी और निसंकोच आगे बढ़ने की भी प्रावधान है और पेशेवर अच्छा रहेगा, पुण्यार्जन बढ़ेगा और आत्मविश्वास को बल मिलेगा। वृश्चिक राशि, समय धैर्य धर्म बनाए रखने वाला है, आपसी समन्वय भी बनाए रखें, संतुलित ढंग से आगे बढ़ेंगे, भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ेगा, अजनबियों पर भरोसा बिल्कुल ना करें, अप्रत्याशित स्थिति हो सकती है, आवश्यक कार्यों में अनुशासन रखने की जरूरत है, रक्त संबंधियों से करीबी बढ़ेगी और परिजनों का सहयोग मिलेगा। धनु राशि, महत्वपूर्ण कार्यों को गति मिलेगी, साझेदारी में सफलता मिल सकती है, नेतृत्व का प्रयास बेहतर बनाए रखें, भूमि भवन से जुड़ी योजनाओं को गति देंगे, करियर कारोबार में भी लाभ मिलता दिख रहा है, विभिन्न विषयों को लेकर स्पष्टता बढ़ती नजर आ रही है और परिस्थितियां भी सकारात्मक रहेंगी, प्रियजनों से करीबी बढ़ेगी। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए कामकाजी जो प्रयास हैं उस पर फोकस रहेगा, आज नौकरी पेशा व सेवा क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, संबंधों को मजबूती मिलेगी और व्यावसायिक विषयों में भी गति आएगी, नियम अनुशासन सभी पर ध्यान रखते हुए कार्य व्यापार में तालमेल बढ़ता नजर आ रहा और लेन देन में भी स्पष्टता रखनी जरूरी है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए मित्रों का सहयोग उनको मिलता दिख रहा है, बुद्धि कौशल से भी अपनी जगह अपनी साख बनाएंगे आप, आवश्यक कार्य समय से पूरा करने का प्रयास रहेगा, परीक्षा प्रतियोगिता में शामिल होंगे, खर्च पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, स्मार्ट वर्किंग बनेंगे आप और श्रेष्ठ प्रयासों से सभी को आकर्षित करेंगे, समाज के श्रेष्ठ जनों से प्रभावित होना जाहिर सी बात। मीन राशि वाले पारिवारिक विषयों पर आज ध्यान देंगे, जनसंपर्क का भी लाभ उनको मिलता दिख रहा है, व्यापार बेहतर बनेगा, जिद जल्दबाजी से बचना है, सुख सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा और भौतिक वस्तुओं में भी वृद्धि होगी, भावनात्मक मामलों में धैर्य बनाकर रखना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, आवश्यक विषयों में सक्रियता रहती।
ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा जो है अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता, साथ ही और भी बहुत कुछ आप जान सकते हैं। तो अंक शास्त्र से चलिए जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, 10, 19 व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्यदेव करते हैं। नौकरी में काम की व्यस्तता बनी रहेगी, जिस कारण शाम तक शारीरिक रूप से खुद को थका हुआ महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ मतभेद होने की संभावना है, इसलिए संतान के साथ खरीदारी करने का मौका मिलेगा। उपाय भी कर सकते हैं भूरी चींटियों को आटा खिलाकर। मूलांक 2, 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चंद्रदेव करते हैं। आज खुद की मनपसंद गतिविधियों को भी पूरा करने के लिए समय निकालेंगे आप। आय के स्रोत बढ़ने के लिए कुछ योजनाएं बना सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा और शाम को कुछ मेहमान भी घर पर आ सकते हैं। अच्छे फलों के लिए उपाय कर सकते हैं शिवलिंग पर बेलपत्र का अर्पण करें। मूलांक 3, 3, 12, 21 और 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं और आज आत्मविश्वास उनकी कृपा से उत्तम रहेगा। व्यापार में तेजी की स्थिति बनी रहेगी, कारोबार के सभी लक्ष्य प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन लाभदायक सिद्ध होगा। उपाय कर सकते हैं जिसमें मंदिर में मीठे हलवे का प्रसाद बांटकर। मूलांक 4, 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। आज भागदौड़ भरा दिन रहेगा, ससुराल पक्ष के साथ भी किसी बात को लेकर नाराजगी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में चल रही कुछ परेशानियों के कारण घर के सदस्यों से भी बहसबाजी होगी, इससे बचना है। उपाय में बिजली का कोई भी खराब उपकरण घर में नहीं रखें। मूलांक 5, 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। व्यापार में कुछ दिनों से चल रही हानि आज लाभ में बदलेगी और व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने का आज मौका मिलेगा। आज आपके संपर्कों में भी वृद्धि होगी और दांत से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। उपाय और सावधानी के तौर पर फिटकरी से दांत साफ करें। मूलांक 6, 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्तियों को पदोन्नति मिलने की संभावना है। अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है और कारोबार में तो आज आपको कुछ नए ऑर्डर भी मिलेंगे, इससे भी बेहतर परिणाम। उपाय कर सकते हैं सफेद वस्तुओं का दान करें। मूलांक 7, 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। मन की शांति के लिए किसी धार्मिक स्थान में घूमने जाएं। नौकरी में स्थानांतरण होने की संभावना और साझेदारी के कामों में गति आती दिख रही है। नगद धन में आज कमी आ सकती है, खर्चों में नियंत्रण रखना होगा। उपाय भी कर सकते हैं बच्चों को खट्टी मीठी टॉफी खाने को दें। मूलांक 8, 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं, इसलिए विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के परिणाम स्वरूप कोई भी उपलब्धि आज मिल सकती है। नौकरी पेशा व्यक्तियों में आपके काम सुचारू रूप से चलेंगे। कारोबार के लिए नई मशीनरी खरीदने का विचार बन सकता है। उपाय भी कर सकते हैं चौमुखी दिए में सरसों के तेल का दीपक जलाकर। चलिए बात करें मूलांक 9 वालों की, तो 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। युगल प्रेमियों के लिए आज अहम मुद्दों पर फैसले लेने का दिन, नौकरी करने वाली महिलाओं को पदोन्नति मिलने वाला दिन, पैसों के लेन देन करते समय सावधानी बरतें और स्वास्थ्य को लेकर भी सचेत रहना है। उपाय के तौर पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्टूबर 15, 2023 रविवार आश्विन माह की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 6:27 पर, सूर्यास्त शाम 5:58 पर, चंद्रोदय 15 अक्टूबर सुबह 6:42 पर एवं चंद्रास्त 15 अक्टूबर शाम 6:24 पर। तिथि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 14 अक्टूबर रात 11:25 से 16 अक्टूबर रात 12:32 तक, शुक्ल पक्ष द्वितीया 16 अक्टूबर रात 12:32 से 17 अक्टूबर रात 1:13 तक। नक्षत्र चित्रा 14 अक्टूबर शाम 4:24 से 15 अक्टूबर शाम 6:12 तक, स्वाति 15 अक्टूबर शाम 6:12 से 16 अक्टूबर शाम 7:35 तक। करण किस्तु घन 14 अक्टूबर रात 11:25 से 15 अक्टूबर दोपहर 12:02 तक। बफ
15 अक्टूबर दोपहर 12:02 से 16 अक्टूबर रात 12:32 तक, बालव का समय 16 अक्टूबर रात 12:32 से 16 अक्टूबर दोपहर 12:56 तक। योग वैधृति 14 अक्टूबर सुबह 10:24 से 15 अक्टूबर सुबह 10:24 तक। विश्व कुंभ 15 अक्टूबर सुबह 10:24 से 16 अक्टूबर सुबह 10:03 तक। आइए जानें अशुभ काल का समय। राहु शाम 4:31 से शाम 5:57 तक। यमगण दोपहर 12:12 से दोपहर 1:38 तक। कुलिक दोपहर 3:05 से शाम 4:31 तक। दुर्मुहूर्त शाम 4:25 से शाम 5:11 तक। एवं वर्ज्यम रात 12:08 से रात 1:49 तक। शुभ काल के मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक। अमृत काल सुबह 11:19 से दोपहर 1:02 तक। एवं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 से सुबह 5:39 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख समृद्धि और आयोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्य देव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरणगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें, 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्ति पीठ है, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं।
भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया चार हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य दो में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपाणी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम तीन अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है, और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन आठों भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन आठ भैरवों के साथ आठ भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में पांच भैरव, पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं, और अन्य तीन सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आठों भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्यान्ह में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी, अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने चार मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है, जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और दो बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है,
पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातलवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहां शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।